तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए हमें सामग्री में चाहिए एक कटोरी तिल, आधा कटोरी गुड़ और आधा कटोरी पानी। अब हमने ये गैस ऑन कर दी है और इसमें कढ़ाई में तिल डालेंगे। अब हमने ये तिल कढ़ाई में डाल दिए हैं और इसको मीडियम आंच पर चलाते हुए भूनेंगे। इसको छोड़ेंगे नहीं वरना ये तिल जल जाएगा। तिल को बहुत थोड़ा हल्का ही भूनना होता है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना होता। मम्मी जी मुझे बताइए कि तिल भुन गई, हमें पता कैसे चलेगा कि अच्छे से हमारा तिल हो गया है? और ये तिल भुनने की पहचान ये है कि ये हल्का सा ब्राउन हो जाता है। अब हम ये गैस बंद कर देंगे और जब इसको हाथ पर मसलेंगे तो ये मसल जाता है अच्छी तरह से। ये जब ऐसे मसलते हैं तो ये मसल जाता है ये इस तरह, तो तिल भुंज गया हमारा। यदि ना मसले तो अभी कच्चा है। अब ये हमारा तिल भुंज के तैयार है। अब हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। अब ये तिल भुन चुका है, हमने इसे प्लेट में निकाल लिया। अब हम इसके लिए गुड़ की चाशनी बनाएंगे। अब हम ये गुड़ कढ़ाई में डालेंगे। गैस को ऑन कर देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये गुड़ हमारा पूरी तरह पिघल जाएगा तो हम इसको एक बार छान लेंगे, क्योंकि गुड़ में अधिकतर बारीक कंकड़ होते हैं, तो यदि हम उसको छानते नहीं हैं तो खाने में किसकिसाहट आती है। इसलिए इस गुड़ को पिघलाकर हम एक बार छान लेंगे। अब ये हमारा गुड़ पिघल गया है पूरी तरह। अब हम इसको पहले एक बार छान लेंगे ताकि इसमें जो भी कचड़ा या कंकड़ है वो निकल जाए। अब ये हमने गुड़ को छाना तो ये कचड़ा निकल आया है। अभी हमने गुड़ को केवल पिघलाया है, अब हम इसको चाशनी बनाएंगे। अब चाशनी बनाने के लिए इसको हम वापस कढ़ाई में डाल लेंगे। गुड़ को छानना इसलिए जरूरी रहता है ताकि उसका सारा कचड़ा निकल जाए। अब गैस को हम तेज कर देंगे और इसको चलाएंगे। मम्मी जी ये गुड़ हमारा पका कि नहीं पका अभी, जैसे मैं देख रही खोलने लगा ये। हाँ, तो इसको थोड़े से पानी में डाल के देखेंगे। अभी जैसे ये फैल रहा है तो अभी थोड़ा सा और पकाना बाकी है। ये बिल्कुल गोली की तरह खट्टा हो जाए तो यानी पक गया है, बस वो थोड़ी सी कसर और है उसमें। अब इसको हम फिर से पानी में डालेंगे। ये खट्टा करने पे ये खट्टा हो जा रहा है, बॉल बन जा रही इसकी। तो अब हमारी ये चाशनी तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे। बहुत ज्यादा यदि हार्ड हो जाएगी चाशनी तो लड्डू भी हार्ड हो जाएंगे, इसलिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि चाशनी सही रहे। अब हम ये तेल डाल देंगे इसमें। चाशनी में अच्छी तरह मिला लेंगे। अभी ये हमारे तिल थोड़े से हैं इसलिए हमने एक साथ डाल दिए, पर यदि हम ज्यादा तिल का बना रहे हैं तो थोड़े थोड़े तिल लेके थोड़ा थोड़ा गुड़ मिलाते जाएंगे, वरना वो खट्टा ठंडा होके हार्ड हो जाता है। इसलिए थोड़े थोड़े तिल और गुड़ मिला के बांधते जाएंगे लड्डू। अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि हाथ जले ना। अब ये हमारा तिल गुड़ थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के और इसके लड्डू बना लेंगे। अब ये हम हाथ में पानी लगा कर थोड़ा थोड़ा तिल हाथ में लेते जाएंगे और इस तरह से लड्डू बनाते जाएंगे। ये हम लड्डू बनाने के लिए उंगली और हथेली का सहारा लेंगे, इस तरह से इसको पकड़ा और दबाया, ये आसानी से लड्डू बन जाते हैं। ये देखिए, तो लीजिए तैयार है हमारे तिल गुड़ के लड्डू। आप भी खाएं, सबको खिलाएं। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें,
और भारतीय व्यंजनों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए नमस्कार।